असलम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल गोलस्टिक फ्रेंस आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ मेहमान है वो माशाला बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्बीशियस और करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं समझें कि फ्यूचर की साइंटिस्ट है फिज़िक्स की फील्ड में जो लियारी से यहाँ पर बैचलर्स की डिग्री करने आई है एस्ट्रो फिज़िक्स की फील्ड में तो चलें सिस्टर समा को वेलकम करते हैं और आज के पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं असल सिस्टर सामा कैसे आप वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सिस्टर समा प्लीज़ अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा थैंक यू सो मच आप यहाँ बुलाने के लिए और पॉडकास्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच इंट्रोडक्शन मेरा यही है कि uh, मैं बैचलर ऑफ साइंस इन फ़िज़िक्स कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर uh, मुझे यहाँ आए हुए एक साल हो गया है uh, मैं यहाँ जुलाई 2023 में आई थी लास्ट uh, ईयर और मेरा ताल्लुक जो है वो लियारी कराची से है uh, तो, और आगे पॉडकास्ट में बताएंगे <laughs> जर्नी के बारे में जी तो सबसे पहले ये बताएँ कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ बेसिकली uh, uh, मेरा पहले से ही प्लान था कि पाकिस्तान से मुझे बाहर जाना है हायर स्टडीज़ के लिए क्योंकि बहुत एट वेरी अर्ली एज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वोट परस्यू करियर इन फिज़िक्स स्पेसिफिकली इन एस्ट्रोफिजिक्स तो उसके लिए मुझे पता था कि रिसर्च है ये सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए फ़ंडिंग ज़ाहिर सी बात है इतनी नहीं होती पाकिस्तान में तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है आ, तो अर्ली एज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बाहर जाना है फिर उसके बाद बहुत सारे ऑपरचुनिटीज़ आपको जाहिर सी बातें आपके सामने आते हैं तो आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को तो मुझे ऑस्ट्रेलिया सूटेबल लगा इसलिए मैं आई तो पाकिस्तान में आपने इंटरमीडिएट के बाद ही फौरन अप्लाई किया डिग्री के लिए आ जी आ जैसे ही मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने फॉरन अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की अप्लाई करने की ऑफर लेटर आया फिर इसी तरह तो को कैसे कन्विंस किया या वो शुरू से आपको बाहर भेजना चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि आपको जो बनना है फ्यूचर में दैट्स एस्ट्रोफिजिसिस्ट इफ यू वांट टू बिकम तो अगर आपको जाना है बाहर तो आप प्लीज़ चले जाएँ अब वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इट वॉज इन लाइक मैंने उनको कन्वेंस किया बल्कि उन्होंने मुझे कन्वेंस किया कि आप जाएँ अपने करियर परसू करें थोड़ा लियारी के बारे में बताएं कि क्या चैलेंजेस थे आपको एज़ अ फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे तालीम हासिल करने के ओवरऑल क्या लाइफ है लियारी की हाँ लियारी की मैं बात करूँ तो लियारी एक ऐसी जगह है जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है टैलेंट भरपूर है आपको पेंटर्स मिल जाएंगे जो पेंट करते हैं आर्टिस्ट हैं मौसीकी में कमाल के आपको आर्टिस्ट मिल जाएंगे दैट्स व्हाट आई एम आई एम गोइंग टू बिकम वो आपको मिल जाएंगे लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है जो कमी है मे बी डेवलपमेंट और स्टेबलाइजेशन की है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करेगी तो इन वो आगे चल के बहुत एक अच्छा एरिया बन जाएगा कराची का स्पेशली इनशाला ज़रूर अच्छा थोड़ा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताइएगा कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ आए क्या प्रोसेस था क्या वो कंसल्टेंट आप रिकमेंड बाकी स्टूडेंट्स के आ जी आ यही होता है कि आ, कुछ स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई करते हैं कुछ कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं मैं मैंने कंसल्टेंट का जो है ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा अप्लाई करना था तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क मैंने कंसल्टेंट से रबता किया ए बी एन कंसल्टेंट है आ, और course, मैं रिकमेंड करूँगी तो ओवरऑल कितना कॉस्ट आई कितना ड्यूरेशन मतलब हाई लेवल पे रहते हुए आप बता देंगे कितना टाइम लगा सब अप्लाई करने आ में? ये सब अप्लाई करने में मुझे सिक्स मंथ्स लग गए थे जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट हुआ जनवरी में मैंने यूनिवर्सिटी uh, में एप्लीकेशन लॉन्च की तो फिर जब तक ऑफ़र लेटर आया उसमें ही तीन चार महीने लग गए थे ऑफ़र लेटर आने में फिर उसके बाद आपका सी आने में टाइम लगता है जब आप फीस पे करते हैं uh, फिर उसके बाद जब आपका सी ओ ई आ जाता है फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं तो इन सब का जो टाइम पीरियड होता है मेरे लिए वो सिक्स मंथ्स का था कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है कुछ के लिए कम भी चले फिर आप ऑस्ट्रेलिया का तो आपने चूज़ कर लिया कि आपने ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रो की तालीम हासिल करनी पर्थ ही की चूज़ किया फिर आपने <laughs> पर्थ में क्योंकि पर्थ चूज़ करने का मकसद यही है कि आप uh, मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं और uh, आपको पता है योर गर्ल आप स्टेप आउट कर रही हैं कंट्री से बाहर जा रही हैं तो आप ऐसे ही जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे आपके लोग ज़्यादा हों तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने पर्थ चूज़ किया थीक. अच्छा जब आप यहाँ आए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो आपने भी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा के कि साथ साथ पढ़ाई करनी जॉब्स करनी वो एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने हाँ जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ है जॉब स्पेशली मिलना आ, आपको बहुत स्ट्रगल करनी होती है जॉब ढूंढने में तो सबसे जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मैंने कैफ़े में की थी एज अ व्यवस्टा वो भी सी ड्रॉप आउट्स करने में आपको सी वी भी आप ड्रॉप आउट्स कर सकते हैं आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं बट क्योंकि मैं पहले आई थी तो मैंने सी वी ड्रॉप आउट्स करना स्टार्ट कर दिया uh, कैफ़े में मेरी जॉब स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग दैट टाइम फिर मैंने ऑनलाइन uh, अप्लाई करना स्टार्ट किया सीख और uh, बाकी सारी जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं ऑनलाइन जॉब्स एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया फिर मुझे हंग्री जैक्स में क्रू मेंबर की जॉब मिली वहाँ पे मैं बहुत अरसा मैंने काम किया उसी दौरान मैं यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट थी वहाँ से फिर मैंने यूनिवर्सिटी में आपका यही होता है कि आप जितनी नेटवर्किंग कर सकते हैं ना अपने टीचर से अपने फैलो से आप उतनी ज़्यादा करें तो यूनिवर्सिटी में यही नेटवर्किंग और बाकी सारी चीज़ों से मुझे एज़ स्टूडेंट अम्बेसडर एज़ अ साइंस स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब मिली जहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स आते थे हमारी यूनिवर्सिटी को विज़िट करने फिर मैं उनको साथ तब तो समझाती थी कि ये यूनिवर्सिटी है ये ऐसा एरिया है तो आप एज़ ए रिप्रजेंटिव काम करते हो एज़ एम्बेसडर वहाँ पे मैंने काम किया फिर कुछ टाइम बाद आ, मुझे यूनिवर्सिटी में ही एज़ अ स्टूडेंट ट्रांजिशन एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट कैजुअल्स में काम मिला जहाँ पे जो ऑरिएंटेशंस जो होती हैं न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको सेटल करना और उनके जो क्वारीज़ हैं उनको सॉल्व करना वहाँ पर फिर मैंने जॉब किया अभी फिलहाल तो मैं अंडर ग्रेड रिसर्च वॉल्टियर कर रही हूँ तो ये माशाल्लाह इन सब चीज़ों को आपने मेंटेन कैसे किया आपकी स्टडीज़ है आपकी जॉब है फिर एम्बेसडर की जॉब ये सब चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती होंगी आपके लिए जी मैं सबको थोड़ा थोड़ा करती थी मतलब ऐसा होता है आपको वर्क लाइफ बैलेंस आपको यही यहाँ आके आपको समझ आता है कि आप काम भी कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं पाकिस्तान में यही होता है कि नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है ऐसी ज़िंदगी नहीं होती जिंदगी तब तो होती है जब आप बाहर निकले आप वर्क लाइफ बैलेंस दोनों को बैलेंस बैलेंस बना के रखें तभी आप जो है ना जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं आपकी जो बैचल डिग्री एस्ट्रोफिजिक्स की इसका स्टडी लोड कैसा है मतलब पाँचों दिन क्लासेस होती है पाँचों दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना है उसके बारे में बताए प्लीज़ Uh, मेरे ख्याल से हम यूनिवर्सिटी uh, ट्रांजिशन आगे डिस्कस कर ही रहे अच्छा, ना? चले आगे के <laughs> चले और बताएं कि क्योंकि कि बहुत डिफरेंस है जब मैंने यूनिवर्सिटी स्विच की तो अच्छा तो आप पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में आई थी मैं सबसे पहले आई थी ए सी यू में ईदित कवन यूनिवर्सिटी uh, वहाँ पे क्योंकि पहले मैं पाकिस्तान में थी इतना आइडिया नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी फिजिक्स के लिहाज से बेहतर है जब यहाँ आई तो पता चला कि अच्छा ए सही तो है मतलब इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी लेकिन जो फ़िज़िक्स के लिहाज से वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है तो मुझे क्योंकि इसीलिए मैं पढ़ आई थी ऑस्ट्रेलिया आई थी कि मुझे एस्ट्रोफ़िसिस्ट बनना है तो उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था uh, जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी लास्ट सेमेस्टर ई में तभी मैंने uh, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना इस्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इस्पेसिफ़िकली वहाँ अप्लाई किया कर्टिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया फिर उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी uh, में जैसे ही एडमिशन मिला मैंने फिर स्विच की यूनिवर्सिटी क्योंकि यू में ज्यादा चांसेस होते हैं लेकिन मिस कर आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिली कि कि वो प्रोसेस कैसे लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये होता है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और मैं मिस भी बता देती हूँ जब मैंने स्टार्टिंग में आ, अपने कंसल्टेंट को कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही जाना है क्योंकि मैंने कराची से ही दिमाग बना लिया था कि अच्छा यहाँ पे फिज़िक्स की स्टडी बहुत बेहतरीन फ़राम करते हैं तो मुझे यही जाना है लेकिन कंसल्टेंट ने कहा कि नहीं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेते नहीं हैं वो तो मैंने कहा अच्छा क्या पता नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता जब मैं यहाँ आई ई में फिर मैंने अपने टीचर से बात करने स्टार्ट किया लेक्चरार से कि मुझे ऐसे ऐसे एस्ट्रो बनना है फ़िज़िक्स में आगे जाना है कुछ अच्छा करना है फिर टीचर्स ने कहा फिर आपने यू में क्यों अप्लाई नहीं किया आप फिर ए क्यों आई उन्होंने मुझे ख़ुद रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे दिया कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जाके वहाँ पढ़ें फिर मैंने वो रिकमेंडेशन लेटर सारी चीज़ें अटैच करके दी और फिर उसके बाद आपको ये होता है कि अगर आपने इंटरमीडिएट में एटी प्लस परसेंटेज या एटी फाइव प्लस परसेंटेज आप लाते हैं तो आपको यूडब्ली 25 परसेंट ऑफ़ देता है और अगर आपके 95 परसेंट है तो 25 से थर्टी परसेंट में वो आ जाता है अगर 95, 90 में है तो आपको यू डब्ल्यू स्कॉलरशिप भी देती है साथ में आ, जो है बेहतरीन है। no वो खास की मतलब तो अब यू की स्टडी लोड मैं कहती हूँ यू डब्ल्यू में बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ ज्यादा वो फोकस करते हैं पढ़ाई पे और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर्स भी ऐसे डालते हैं कि आपने कभी वो प्रैक्टिस पेपर्स में नहीं देखे मतलब ऐसे वो करते हैं आपको चैलेंज करते हैं कि हमने तो आपको यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा दिया लेकिन आप जो है फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं तो ये मैंने ट्रांजिशन देखा ई और यू डब्ल्यू में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है यू और बहुत सारे मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे ई में जो यू डब्ब्ल्यू ए से ई आए थे क्योंकि उनका जो गोल था वो बस पी की तरफ था तो अगर अच्छा। आपका गोल पी की तरफ है शॉर्ट कोर्सेज लेने हैं तो उसके लिए आपको ई बेहतर रहेगा लेकिन आपको सिर्फ़ पढ़ाई के लिहाज से आना है तो यू और कर्टन यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहेंगे आपके लिए तो अभी आपकी जो क्लास में यू में कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है आ नहीं <laughs> तो कौन है, आ, हैं। और फिजिक्स पढ़ता कौन है फिजिक्स गोरे ही पढ़ रहे होते हैं <laughs> तो और आपने क्यों पढ़ी क्योंकि आपको बचपन से शौक था बचपन की बात करूँ तो आ, हम स्कूल में पाकिस्तान में सेकंड ग्रेड से ही पढ़ते हुए आते हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड होता है साइंस में दो तीन ही चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको आर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया गैलेक्सीज़ के बारे में पढ़ा दिया तो वही दौर था जब जैसे ही मैंने पढ़ना इस्टार्ट किया कि ये सोलर सिस्टम है हमारा ये हमारी ये हमारा अर्थ है ये ज़मीन है ज़मीन के अलावा भी आठ स्यारे हैं तो मैंने कहा अच्छा आठ सारे हैं ये हमारा सोलर सिस्टम बनता है इसके आगे क्या है इसके आगे कायनात कितनी बड़ी है मुझे बस वो क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे जानना है कि इसके आगे क्या है ये सोलर सिस्टम है आगे क्या है ये कैसे बना और ये क्या हो रहा है कायनात में मुझे जानना है ये स्टार्स क्या हैं ये मैं क्या देख रही हूँ आसमान में रात के टाइम वो जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो तजस तो होता है ना आपको वही आपको पुश करता है आगे जाने के लिए और जर्नी तो बहुत बढ़िया अगर आप <laughs> ऐसे ही कल्चरल शिफ्ट कैसा लगा आपको आप पाकिस्तान से इंटरमीडिएट करके हैं, सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ सारे मोस्टली गोरे हैं या डिफरेंट के जी। तो किस तरह का एक कल्चरल शिफ्ट आपने देखा और अपने आपको कैसे एडजस्ट कराया उस माहौल में कल्चरल शिफ्ट की मैं बात करूँ तो वेल आप किस तरीके पढ़ा किस तरीक तो पे एक वो है जो इंग्लिश ही बोलते हैं जी उनका कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है जी मतलब कुछ चैलेंजेस फेस हुए आपको या... जी किसी भी सेंस में शुरू शुरू शुर में जब मैं आई थी तो मुझे ज्यादा पता नहीं था ना कि कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं और कैसे बातचीत करनी है इनसे मतलब आ, आपको पता होता है कि अच्छा पाकिस्तानी से उर्दू में आप बात करें तो वो हो जाता है लेकिन गोरे हैं तो आपको पूरी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करके जो है उनसे उनके ही एक्सेंट में बात करनी है उन्हीं के ही लहजों में बात करनी है स्लैंग्स यूज़ करके बाकी सारी चीज़ें तभी आप फ्रेंड्स बनाते हो तभी आप दोनों में कुछ कॉमन होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अब जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तभी तो क्लास में कितने मेल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं कितनी फीमेल हाँ मेल और फीमेल्स की बात करूँ फिज़िक्स में तो हमारी क्लास में मैं रेशो बता दूँ सेवेंटी टू एटी परसेंट बॉयज़ हैं अच्छा जी हम सिर्फ ट्वेंटी परसेंट गर्ल्स हैं और जब आपको पता है जब सेमेस्टर एंड हो रहा होता है तब स्टूडेंट्स uh, कम आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में यहाँ पर भी यही हाल है अच्छा एंड <laughs> का टाइम होता है कम ही स्टूडेंट्स आते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ हम दो ही फीमेल्स स्टूडेंट्स होते थे और चार पांच बॉयज होते थे सही। और जो रिसर्च का फील्ड है वो रिसर्च की फील्ड में अब तो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत गर्ल्स आने स्टार्ट हो गई है इवन इकरार में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च डिपार्टमेंट है, है। यू <laughs> uh, 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 में uh, व, उस में उसी को इकरार

तो छोटी छोटी एडवाइस आ गई फ्यूचर प्लान मेरा ये है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सा पाथवे चूज़ करना चाहिए उसी दौरान हम सबको एज अ फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स होते हैं सबको हमें ईमेल रिसीव हुई कि ऐसे ऐसे सिडनी में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ के हम विज़िट करवा रहे हैं अब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो इस्टेम के फील्ड में है साइंस हो गया इंजीनियरिंग मैथ्स ये डिपार्टमेंट्स के हैं जी. तो मैंने फिर प्रोफेसर से बात की कि ये कैसी मतलब चीज़ है वो है तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो है फ्री में आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं चार पाँच दिन के लिए आप सिडनी हो जाते हो और वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर विजिट करते हो तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा तब तो न्यूक्लियर रिएक्टर विजिट करना और जो वहाँ के पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं आप उनसे बात करेंगे स्पीकर्स होंगे और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं था वो न्यूजीलैंड के भी स्टूडेंट्स थे दोनों कम्बाइंड कंट्री के थे तो वी वर ऑलमोस्ट थर्टी गर्ल्स और सिर्फ वो गर्ल्स की होती है अच्छा

ऑस्ट्रेलिया के जितनी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या आप कह लें वहाँ से एक ना एक गर्ल्स तो थी तो सब एक यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेटिव थी तो मैं भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ सही अब वो, 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 वो अब बहुत अच्छा था मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर हमने विज़िट किया वहाँ पे आप ये दिखाया कि हम क्या बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा आप लोगों से मिलते हैं और वुमेन स्पीकर्स बहुत ज़्यादा थे तो आप उनसे इंस्पायर होते हैं कि अच्छा वो भी यहाँ हैं और वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं एज ए स्पीकर हमारा चार पाँच के दिन, दिन के था सिडनी में और बहुत अमेजिंग रहा चले आउट ऑफ द क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको क्या लगता है कि फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पे इसको इजाज़त मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तो बारे में सोच रहे आपकी जो डिग्री है, तीन साल, की चार साल, की ए, है? तीन साल की है बैचलर्स की तीन साल की डिग्री साल होती है और फिर आपकी मर्जी होती है आप आगे के ऑनर्स करते करते हैं हैं या मास्टर्स करते हैं। और आपको रिसर्च करनी है फिर आगे? आगे मैं तो आपको वो आपकी स्टडी कभी स्टॉप नहीं होगी जस्ट लाइक डॉक्टर तो उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट एम आई इट करेक्टली जी जी ओके एस्ट्रो एज अ फिस आपके यहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो यही होती है कि आप 3 साल के बैचलर्स डिग्री कर लेते हो फिज़िक्स में फिर उसके बाद एक साल ऑनर्स या दो साल मास्टर्स करते हो सब टू यू और उसके बाद आप टी आर पे आ जाते हो वर्किंग वीज़ा पे आप वर्किंग वीजा पे आप एक साल फुल टाइम काम करते हो उसके बाद आप टी आर के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप उस टाइम पे भी पीआर अप्लाई कर सकते हो अगर आप, आप अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस्ड रहें तो आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करके फिर एक साल आ, फुल टाइम आपको एक साल एज अ रिसर्चर लाजिम काम करना है सही तो मेरा अगला सवाल था मुझे भूल गया से निकल गया तो जब आप ये पढ़ रही हैं एस्ट्रो इसके दौरान आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं जी अभी जैसे हमारा विंटर ब्रेक है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो अभी दो वीक की आ, मेरी प्लेसमेंट थी स्टिंग अबाउट डार्क मैटर हेलो वो क्या होता है सर से गया <laughs> बहन ये आपने पॉडकास्ट के बाद समझाना <laughs> okay. है चीजें ओके डार्क मैटर हेलो पे आ, मेरी रिसर्च थी जहाँ पे विच वॉज अबाउट स्टडिंग अबाउट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर गैलेक्सीज जितनी भी गैलेक्सीज़ होती है दो हज़ार चार दो हज़ार चार सौ चार उन सब गैलेक्सीज़ की स्टडी तो ऑफ़र्स वो हम हाथ या कैलकुलेशन से नहीं कर रहे होते हैं मैथ्स अप्लाई होती है ऑफकोर्स होती है लेकिन आप फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो जिसके पाइथन हो गया आपको जो कम्फर्टेबल लगता है मैंने पाइथन सीखा है तो मैं पाइथन ही यूज़ करती हूँ अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आप उसके ज़रिए से आप अपना पूरा कर रहे होते हैं आपको ग्राफ्स प्लॉट करनी होती हैं और फिर आपको बैठ के ये एनालाइज करना होता है कि क्या हो रहा है ग्राफ्स हमें क्या दिखा रही है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा था लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे पता चला है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है बस आपको अवेल करनी है आपको बस टू दी अपॉर्चुनिटीज़ कहना है ऐसा ही है ही।

आ, तो मैं तो अपने लेक्चरर से मतलब पूछ रही होती हूँ कि क्या होता है उसके अलावा जितने भी क्लब्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिसके आ, आफ्टर यूनिवर्सिटी क्लब्स होती हैं लीडरशिप क्लब्स होती हैं बहुत ज़्यादा तो आप मैंने ई में थी तो मैं तब भी मेंबर थी आइज क्लब की जो लीडरशिप क्लब है अच्छा। जी मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया आपको ऐसे ना एक्सपोजर मिल मिलता है आप लोगों से कनेक्ट होते हो वहाँ के लोकल लोगों से कनेक्ट होते हो आपको यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है फिर पता चलता है कि अच्छा आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अभी भी मैं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे एज अ मेंबर काम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो वो भी एज अ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है और वहाँ पे हमारी गैदरिंग्स होती हैं हर चार से पाँच महीने में कि सारे जितने भी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं टीचर्स इकट्ठे अच्छा। होते हैं जी तो वो आप बातचीत कर, करते हैं तो आपको पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स क्या करें मास्टर्स के स्टूडेंट हैं पीएचडी के फिर वो अपनी जर्नी बताते हैं कि हम ऐसे काम करते तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आगे जाके आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है तो ये इसलिए जरूरी है सही अच्छा सवाल सारा आगे पीछे हो गए सिडनी होके भी आई थी अच्छा जी पर्थ बहुत काम बहुत चिल बहुत सुकून वाली जगह है सिडनी में बहुत ज्यादा रश है सॉरी uh, <laughs> पैन कर रही किसी को लेकिन सिडनी बहुत अच्छी जगह है आप मतलब दद... घूमने के लिए घूमने के लिए अच्छा है सिडनी इज जस्ट लाइक कराची <laughs> <ऐसे लिए। laughs> वेरी क्राउडी बहुत क्राउडेड है क्राउड है वहाँ पे और अच्छी जगह है मैं ये नहीं कहती घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है लेकिन रहने के लिए मुझे पर्थ बहुत अच्छा लगा पीसफुल है

तो शायद उसके लिए आप पार्ट टाइम जॉब इतना ज़्यादा नहीं आपकी मदद कर पाए लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं डेली एक्सपेंसेस वो आप बेयर कर सकते हैं और जो सेमेस्टर ब्रेक होता है जिसमें आपके पास अनलिमिटेड सेमेस्टर ब्रेक में जैसे अभी थे? हमारे पास अभी हमारा टू मंथ्स का ब्रेक है

इंटरनेशनल um, स्टूडेंट्स को मैंने यही देखा है कि बस ना यूनिवर्सिटी की, 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 की वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता है।, है।, है, है बिल्कुल बिल्कुल हब है, होती, है, जी, जी, होती, होती बिल्कुल। है तो आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी की भी जॉब्स आ रही होती है और जितनी जो आसपास की आपकी लोकल जॉब्स होती है वो भी आती हैं

उस आ, या सेकेंड ई ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी सी लेते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है ये मेरा एक्सपीरियंस है अगर फिर वो आपके रेजू जो है अपने पास रखते हैं और देखते हैं आपसे बात करते हैं उसी टाइम पे इंटरव्यू भी हो रहा होता है आपको रेज्यू भी देखा जा रहा होता है अगर आप उन्हें पसंद आते तो वो आपको ले लेते हैं लेकिन वहाँ पे लाइक नाइन्टी प्लस जो है वो कंपनीज़ आती हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक बार फेल भी हो गए ना

ऑनलाइन uh, अप्लाई करें और ये होता है कि अगर आप जैक्स में अप्लाई करें मैकड में अप्लाई करें कैफसी सी में अप्लाई करें तो कोशिश करें कि उन्हीं के वेबसाइट्स के थ्रू जाके अप्लाई करें आल्डी में अप्लाई करें कोल्स में अप्लाई करें तो उनके जब आप वेबसाइट से ही अप्लाई कर दें तो आपके जो एप्लीकेशन है ना वो लॉग होती है अगर आप ऐसे ही सी के और इंडीट से अप्लाई करेंगे तो चांसेस कम, कम. होंगे

लक पे भी डिपेंड करता है और जब जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तभी वो आपको लेते हैं ना तो ये होता है एक तो पाकिस्तान में हमारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता पाकिस्तान में यहाँ पे तो बच्चे चौदह पंद्रह बारह साल के बच्चे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये नहीं होता फिर वो कहते हैं कि अठारह उन्नीस साल की बच्चियाँ हैं बच्चे हैं इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है हम कैसे उन पर ट्रस्ट करें एक ये भी फैक्टर होता है उनके उनका कसूर नहीं है बल्कि हमारा ही है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ना ये सारी चीज़ों में तो वो आपको टाइम लगाते हैं आपको ट्रेन करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है तो यही होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको जॉब्स करनी है मैकडॉनल्ड तो के तो वहाँ पर जाके ट्रेनिंग ले। जब आप एप्लीकेशंस अप्लाई करें ना यहाँ के तब तो वहाँ पे जाके देखें कि काम कैसे होता है क्या पता कि आप दो महीने बस के एफ में काम करें मैकडोनल्ड में काम करें दो तीन घंटे हफ्ते में फिर आपको समझ आएगा और आप इसको आपकी और पाकिस्तानी के साथ वो क्या पढ़ रही उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी मैंने मोस्टली देखी है वो बैचलर्स के लिए कम मास्टर्स के लिए ज्यादा आ रही होती है क्योंकि हमारे हम जो है ना प्रेफर करते, लेट अप्लाई करते हैं, हैं लेट अप्लाई करते हैं तो लेकिन इंटर के बाद सबसे बेस्ट टाइम है ना आने का आने का बेस्ट टाइम है क्योंकि आपको तीन साल ही लगाने हैं आपने बैचलर्स कर लिया आप तीन अब पाकिस्तान में आप चार साल लगाते हैं बैचलर्स करने में फिर उसके बाद एक साल जो है अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये सारी चीज़ों में निकल जाता है फिर आप ये ये करते हैं कि मैं मास्टर्स यहाँ से पाकिस्तान से करूँ या बाहर आके करूँ तो वो होता है और एक ये भी फैक्टर है कि हमारे यहाँ मतलब वो ये समझते हैं कि गर्ल्स में ची नहीं है ना बारह के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए तो ये भी फैक्टर आ जाता है जबकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है ऐसा ही ऐसा ही अच्छा बाकी आपकी जो पाकिस्तानी कम्यूटी के साथ इंटरेक्शन है पर्थ में कैसी रही आपने कैसा पाया पाकिस्तानी कम्यूटी को यहाँ पर अच्छा अच्छे बता दें अच्छा हाँ बहुत अच्छी है मतलब बहुत सपोर्टिव है जैसे कि ई में हमारे गिल्ट होते हैं ना तो, तो गिल्ड तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ होती है तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी होती है बहुत अच्छी है मतलब बहुत सपोर्टिव है हम ईद सेलिब्रेट करते हैं साथ में और जितने छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो सेलिब्रेट कर लिया तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको अपनाइए जी का...

फिर उन पेरेंट्स के लिए जो हिचकिचा रहे हैं कि यार हम अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजें क्या भेजें क्या पता क्या चैलेंजेस हो किस तरह फेस कर पाएंगी एक तरह मैसेज उनके लिए प्लीज़ ये है कि अगर आप बेटर लाइफ के लिए बाहर आ रहे हैं वो भी अच्छी बात है अगर आप स्टडी के लिए बाहर आ रहे हैं वो भी अच्छी बात है वो आपका मोटिव है आप जहाँ पर जाना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए यही है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ है मतलब मैं लियारी में पैदा हुई हूँ मैं वहीं पे पली पढ़ी हूँ लेकिन

फिंगर्स भी होते है आपको पुलिस को कॉल करनी है पुलिस आपके मतलब कोई कुछ भी हो जाए पुलिस आपको फौरन आती है आपने तो यहाँ देखा होगा पुलिस घोड़ों पे चलती है ऐसा ही है घोड़े गो, इस्तेमाल करती है साइकिल इस्तेमाल करती है ताकि गली कूचों में वो आसानी से जा सके क्योंकि गाड़ी में टाइम लगता है तो न्यू ईयर नाइट थी पुलिस घोड़ों पर चल रही है ताकि वारदात हो तो वो फौरन से फौरन से पहुंच जाए तो सेफ्टी का यहाँ कोई इशू नहीं है बाकी जो इशू है पेरेंट्स के दिल में वो तो बेहतर जानते हैं अपने बच्चों को लेके ना उनको पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं तो अगर आपकी तरबियत अच्छी है आपके बच्चे ठीक है तो कोई झिझक की बात नहीं है यहाँ आने में बेषक तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया थर्टी मिनट्स का आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी ओवरऑल एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से या लाइफ एज अ फीमेल कोई मैसेज तो मेरा यही है कि अगर आप सपने देखते हैं जिस मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से बाहर निकल के आना जिस ट्रॉमा से आप गुजरे हैं लियारी के ट्रॉमा के आप बात कर सकती है <laughs> क्या ट्रॉमा थे और किस तरह ओवरऑल थोड़ा बताए लियारी की बात करूं तो आई स्टिल रिमेम्बर स्कूल स्कूल की छुट्टी होती थी जी स्कूल की छुट्टी हो गई बैग बैग आपने पहना हुआ है आप सड़क पे क्रॉस करके गुजर रहे हैं सामने से फायर करता हुआ बंदा आ रहा है तो वो आपको कैसा फील हो आप आप स्कूल से आ रहे हैं आपके टीचर्स भी आपके साथ हैं ये मामूला यही होता है कि आप ये रोज का था ये रोज का था आप अभी भी है तो आज तो तो जो तक गैंग लियारी जो गेंग वियारी के अंदर जो गैंग वॉर है जो बहुत पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज चलती है वहाँ पे वो आज तक भी है ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है बहुत हद तक कम हो गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई अभी भी आज भी है तो वो जो माहौल था आज भी लियारी की गलियों से आप गुजरेंगे ना तो वो आपको ऐसे घर नहीं दिखेंगे सारे वो बंदूकों की जो गोलियाँ है ना उससे आ, होल्स बने हुए मेरे घर पे भी होल्स बने हुए हैं इतने बड़े बड़े होल्स बने हुए जो जब जंग चिड़ी थी 2012-13 के बीच में उस टाइम पे मैंने खुद का अपना कज़न खोया है इक्कीस साल का था वो भी ऐसे ही मतलब गैंग वॉर में हर आए दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया छोटे वो ऐसे नहीं कि किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया नहीं वो 21 साल के बच्चे का इंतकाल हो गया 19 साल के 18 साल के क्योंकि यही फायरिंग हो रही है कहीं से भी गोलियां आ रही है आपको पता नहीं चलता है ना तो आज भी याद है रात के टाइम पे हम अब नींद क्या होती थी हमें पता भी नहीं था क्योंकि फायरिंग हो रही है ये सारी चीजें हो रही है आप कहाँ से सकते हो जब जितनी भी जंग छिड़ी फिर उसके बाद सब सबको लियारी से बाहर निकलना था ऐसे ही। अब इस्पेली मैं बात करूँ कलरी की और कलरी कलाकोट के साइड पे तो वहाँ से लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए क्योंकि जंग बहुत ज्यादा छिड़ गई थी तो उस टाइम पे जब लोग बाहर निकल गए जाहिर सी बात है अपने दूसरे रिलेटिव्स के घर चले गए जब हम वापस अपने घर आए मैंने अपने खुद के घर से मैं सात आठ साल की थी तकरीबन या उससे बड़ी थी मैंने अपने घर से तकरीबन पाँच सौ पाँच सौ के करीब गोलियाँ इकट्ठी की थी आज भी लियारे की गलियों से आप गुजरेंगे ना तो वो आपको दहशत माहौल आज भी, भी दिखेगा लेकिन ये है कि लियारी की जो यंगस्टर्स हैं जो वो जनरेशन निकली ना उसने बहुत कमाल का काम किया ही। तो आज जो आर्टिस्ट हम देखते हैं लोग देखते हैं लियारी से बाहर निकल रहे हैं तो उन्होंने बेहतरीन काम के सल्यूट है उन लोगों में जो उस ट्रॉमा से बाहर निकले और उन्होंने एक नई दुनिया बनाई ऐसी दुनिया जो बहुत पीसफुल है और सबके लिए फायदेमंद है आप भी देखें एस्ट्रोफिज बनती है फ्यूचर में तो आप पाकिस्तान का लियारे का सबका नाम रोशन करेंगे और हमारी दुआ आपके साथ है बिल्कुल तो जैसे सिस्टर हमारे कहा कि ख्वाब देखने चाहिए इन्होंने भी ख्वाब देखा था बाहर पढ़ने का रिगार्डलेस के आप कहाँ बॉर्न हुए आपको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें मेक द मोस्ट ऑफ़ इट और उन्होंने भी वही फैसला किया कि मैं पढ़ाई करूँगी जिस चीज़ का उनका शौक था एस्ट्रो का वो पढ़ रही हैं लियारी से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पर्थ में ये आई अभी पढ़ रही हैं साथ साथ जॉब भी कर रही हैं अपने एक्सपेंसिज भी बेयर कर रही हैं इन आप देखेंगे कि फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं समा तो उम्मीद करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट से उन फीमेल सिस्टर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एक हौसला मिला होगा कि अगर वो सोच रही हैं ऑस्ट्रेलिया या बाहर किसी भी मुल्क में पढ़ने का तो पेरेंट्स की उनको सपोर्ट मिलेगी तो ये हमारा मकसद था आज के पॉडकास्ट का उम्मीद करता हूँ वो मकसद पूरा होगा थैंक यू सो मच फॉर टाइम थैंक यू